पुराने प्लेट से बनाए सुंदर वॉल डेकोर, बेहद सस्ता और आसान क्राफ्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। घर में पड़ा कोई भी पुराना प्लेट निकाल ले, सेरेमिक, प्लास्टिक, मेटल, कोई भी प्लेट ले सकते हैं। मोर पंख के जैसा पेपर के तीन साइज कट करें, बड़ा, छोटा, फिर और छोटा। दोस्तों, ये वॉल पुट्टी है जो किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। 400 रुपये का 20 किलो, फ्यूचर में बड़े दाम में मिल सकता है। वॉल पुट्टी में केवल पानी मिलाकर एकदम सॉफ्ट डो बना सकते हैं। डो बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक बार बना डो 4 घंटे तक चल पाता है, तो जितनी जरूरत हो उतनी ही हम बनाते हैं। वॉल पुट्टी में थोड़ा पानी और फेविकोल डालकर गाढ़ा पेस्ट बना ले। वॉल पुट्टी डो से सबसे बड़े वाले पेपर कट के सहारे शेप बनाए। स्मूथ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करें। पुराने नेल कटर से या फिर नाइफ से रिदम में लाइनिंग करें। प्लेट पे डॉट डॉट करके गाढ़ा घोल लगाएं। ये जो शेप आपने बनाया है ये केवल उस डॉट डॉट पे रख दें, ये आराम से चिपक जाएगा। प्लेट के किनारे ये पंख करीने से चिपका ले। लास्ट में थोड़ी सी जगह रहने दे। ठीक इसी तरीके से छोटे वाले और उससे छोटे वाले साइज को भी चिपका ले। इन सबको अच्छे तरीके से ड्राई होने दें। नीचे जहां खाली है मोर के फेदर की डिटेलिंग करें। यहां भी वही तरीका अपनाकर नाइफ से लाइनिंग करें। फेदर के साइज को ध्यान में रखकर छोटे राउंड शेप बनाकर सभी फेदर पे वॉल पुट्टी की घोल की सहायता से चिपका ले। एक छोटा गोलाकार बनाकर सेंटर में चिपका ले, इसे ड्राई होने दें। थोड़े थिक कॉइल बनाकर रिदम में चिपका ले ताकि गर्दन का लुक आ पाए। इसके साथ ही बॉडी की डिटेलिंग कर ले, ड्राई होने दें। वॉल पुट्टी क्राफ्ट करते समय एक लेयर को ड्राई होने दे, तभी दूसरा लेयर करें। ये बिल्कुल सही तरीका है। कोई भी लोकल, खुला या फिर नकली ब्रांड से आपका डो परफेक्ट नहीं बनता। दिखाए गए ब्रांड का इस्तेमाल करने से आपकी शुरुआत अच्छी हो सकती है। छोटे छोटे पर्ल्स बनाकर मोर की कलगी बना ले, इसके साथ ही चोंच भी बनाकर चिपका ले। दोस्तों, ये एमसील है, इसमें से 2 पाउच निकलते हैं, दोनों को मिलाकर एक ब्लैक कलर का क्ले बन जाता है।
सबसे छोटा वाला पैक 10 रुपये में आ जाता है। हमारा क्राफ्ट जो ड्राई हो गया है, इसे सावधानी से किसी सॉफ्ट कपड़े पे पलट ले। ये लोहे का तार है, इसे फोल्ड करके कैपिटल ए की तरह आकार दें। एमसिल को डॉट डॉट बनाकर लोहे के तार को प्लेट पे चिपका ले। एमसिल को कम से कम 2 घंटे तक ड्राई होने दे। इसके साथ ही 320 नंबर के रेगमाल से क्राफ्ट को फिनिश करें, जहां जरूरत हो वहीं फिनिश करें। इसके डस्ट को ब्रश की सहायता से हटा दें। क्राफ्ट बिल्कुल फिनिश हो गया है, अब कलर करने की तैयारी करते हैं। वॉल पुट्टी क्राफ्ट पे हमेशा एक्रेलिक कलर से कलर करें। पहला कोट करें, ड्राई होने दें, फिर दूसरा कोट करें, जरूरत हो तो तीसरा कोट भी कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर से वॉल पुट्टी क्राफ्ट पे अपने आप शाइनिंग आ जाती है, वार्निश की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कलर के रियलिस्टिक शेड्स लिए हैं, आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ इस्तेमाल किए गए सभी कलर्स के नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्पॉन्ज पे ब्रॉन्ज कलर लगाकर पिकॉक की डिटेलिंग और निकाल सकते हैं। ये कट मिरर्स जो क्राफ्ट पे कहीं कहीं फेविकोल की सहायता से चिपका लें। तो दोस्तों, पुराने प्लेट से बना ये पिकॉक वॉल डेकोर बिल्कुल तैयार है। बेहद सस्ते में बना और इतना आसान कि कोई भी बना ले। घर में कहीं भी लगाएंगे, उस जगह पे जान आ जाएगी। इसके साथ एक अनोखा सुकून भी मिलेगा, क्योंकि ये आपके हाथों से बना है। वॉल पुट्टी क्राफ्ट की शुरुआत करने के लिए ये 2 ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास में वॉल पुट्टी क्राफ्ट से रिलेटेड बेसिक जानकारी आपको मिल जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इस तरह के ढेरों क्राफ्ट आइडियाज जो आपके बजट में हैं, आने बाकी हैं। कोई भी क्राफ्ट वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में एक बेल आइकन है, उसे भी दबा दें, ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।